देश भर में इन दिनों किसान चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। तीन केंद्रीय किसान कानूनों के बाद में अलग अलग तरह की मांग उठ रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में किसानों से कई बार बातचीत की गई। अब राज्य सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन में बजट रखेंगे, लेकिन उससे पहले किसानों की क्या उम्मीद है, राज्य सरकार से क्या मांग है, यह भी जान लेते हैं खुद किसान के मुंह से। क्या लगता है सरकार की तरफ से क्या चीज़ मिले राजस्थान के किसान को जो हालात सुधरें? एक तो जिन्होंने जो कर्ज माफ़ी की है वो सभी की होनी चाहिए, अपने अपने आदमियों को लेते हैं, अपने को रह जाते हैं, तो वो सभी को अक्सर होना चाहिए। और बिजली की रेटें कम होनी चाहिए जी, और डीजल के बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गए, मतलब डीजल से किसान खेती नहीं कर पाता, उसकी लागत डीजल में चली जाती है। वो देखिए, डीजल, बिजली और कर्ज माफ़ी, ये तीन मुद्दे पहली बात में आए। थान कहीं लागे से कहीं चाहे से थाने राजस्थान सरकार से अजी मान तो सारो ऐसा मान चाहे जी। देखो मैं तो बूढ़ा चाहे जो मान तो बा पेंशन भी कौन मिले बाबू जी, मान तो क्यों बूझो जो कहीं समाचार मकाई खबर जो भी कौन है पर लेकिन याद चाहे भाई बिल भी कमाना चाहे जी और सब सुविधाएं मिलनी चाहे जी। धनिया ने मतलब पेंशन मिले जो तो माने भी तो मिलनी चाहे जी ना। क्यों थे पेंशन में नाम कौन लिखा है? लखावा कुंडने लिखावा कुंडने जा रही। देखिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन आप शुरू करते हैं, चाहे किसान प्रोत्साहन योजना शुरू करते हैं, उसमें पहुंचे किसान तक, आपको क्या चाहिए कि सरकार से, राजस्थान सरकार से? सबसे पहले तो बिजली का बिल दोमा ना सुनो चाहे जी, जी में कोई 8-10 हज़ार बिल आ जाए जी, पीछा वही रोना और दूसरा सब्सिडी, हर चीज़ की सब्सिडी खत्म कर दी, बिजली खत्म कर दी, गैस की खत्म कर दी और आए दिन कोई बज कोई धंधा ही नहीं, कुछ बात नहीं। सरकार तो आपका टीटा वाला बैठी जा रहा है, संभाल वालों बारे फील्ड में छह ही रोने फील्ड में किसानों को संभाला जाए। आपको क्या लगता है किसान की ज़रूरत क्या है? किसान को बिजली की रेट कम होनी चाहिए, डीजल की रेट कम होनी चाहिए और ट्रैक्टर मशीनरी कोई भी लाए उस पर सब्सिडी मिलनी चाहिए और ये खोद खुदाते हैं उस पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। यही पॉम पॉन्ड पर तो सब्सिडी है, कहाँ मिल रही है तो क्यों नहीं मिलती? कोई यहाँ कोई बताते नहीं है कहाँ मिलती है, क्या करेंगे, कोई किसान जागरूक नहीं है इसके लिए, तो उसको जानकारी तो देनी चाहिए ना, किसान को जानकारी देनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि राजस्थान सरकार अपना बजट रखे तो किसान के लिए क्या क्या घोषणाएं करे, क्या फ़ायदा हो किसान को? किसान को देखो सब्सिडी का फायदा होना चाहिए और बिजली का बिल माफ होना चाहिए, कम होना चाहिए और सब्सिडी टेमाटेम मिलनी चाहिए और कर्ज सोसाइटी का जैसे खाद बीज मिलना चाहिए, कर्ज माफ होना चाहिए। ये समस्या किसान के लिए बहुत है। पानी का लेवल होना चाहिए, पानी में ना किसान मरेगा तो तड़प तड़प मरेगा अपना आप ही, क्यों मर रहा है ऐसे ही तो मर रहा है। देखिए तो, पानी का लेवल होना चाहिए, किसान की तरफ से ये मांग है। राजस्थान सरकार के बजट से किसान को क्या चीज़ें मिलनी चाहिए? राजस्थान सरकार से बजट में किसान को एक तो सबसे बड़ी जो ये पॉन्ड्स है, होद है, खाद है, बीज है, दवाइयाँ है, इनमें सब पे सब्सिडी मिलनी चाहिए। क्यों किसान क्या करता है कि जैसे मौसम पे आधारित होता है, फसल बोदी, मौसम ख़राब हो गया, गड़े गिर गए, ओले गिर गए तो फसल बर्बाद हो जाती है। तो किसान के पास है क्या? किसान के 5 आदमी भी है तो खेत में ही खपते हैं, इनके पास अलग से कोई इंडस्ट्री तो है नहीं। तो जैसे ये जैसे पॉन्ड बना रखा है, हालांकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी कर रखी है इस पे, ये गवर्नमेंट पॉन्ड नहीं है तो प्राइवेट बना रखा है इन लोगों ने खुद। नहीं, मेरे हिसाब से खुद ने ये यहाँ के काश्तकार का खुद का 90,000 गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है इस पे, लेकिन एक्चुअल में सब्सिडी में इतने नियम लगा रखे हैं उन्होंने कि किसान बेचारा चक्कर खाते खाते पूरा हो जाता है, सब्सिडी मिल नहीं पाती। ये है, क्या केवल खेती के ऊपर ही फोकस रहना चाहिए, पशुपालक हो उसको भी कुछ मिले और फसल खराबा जो हो जाता है वो समय पे उनकी गिरदावरी हो, उनकी सबकी समय पे गिरदावरी हो। अभी पूरे देश में सौर ऊर्जा पर सब्सिडी दी जा रही है। राजस्थान के किसान अगर अपने खेत में सौर ऊर्जा लगाना चाहे तो मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूँ कि राजस्थान के किसान को 90% सब्सिडी दी जाए। और खेती से जो गेहूँ चना ही एक काश्तकार नहीं होता, इसमें फल बाने वाला भी किसान होता है, फूल बाने वाला भी किसान होता है, पशुपालक भी किसान होता है। तो इसी प्रकार जो आज की नई पीढ़ी
जिनका आज काश्तकारी से अरुचि हो गई, जिनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, उनको उनकी रुचि के अनुसार अगर वो यहाँ कोई पशुपालन करते हैं, गाय का पालन करते हैं, मछली पालन करते हैं और कोई पोल्ट्री फार्म लगाते हैं, तो उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए। और जो राजस्थान सरकार जब सरकार में आई थी तब उन्होंने कहा था किसान का संपूर्ण कर्ज माफ़ी करेंगे, वो कर्ज माफ़ी आज तक नहीं हुआ। तो राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि जो आपने वादा किया था चुनाव में आने के लिए, तो राजस्थान का किसान आज भी टकटकी नज़र से देख रहा है। अभी मेरे किसान भाई ने कहा कुछ लोगों का इन्होंने कर्ज माफ़ी किए नहीं किया और कुछ का नहीं किया, जो उनके चहेते थे, जो उनके इर्द गिर्द घूमते थे। तो मैं चाहता हूँ संपूर्ण किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ़ी होना चाहिए। वो देखिए संपूर्ण कर्ज माफ़ी होनी चाहिए किसान की, लेकिन कई बार सरकार ये कह देती है कि केंद्र सरकार जो कमर्शियल बैंक है उनके अंदर कोई राहत नहीं दे रही है, उनका कर्ज माफ़ नहीं हो पा रहा। देखो सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा, एक तो जो ये सब्सिडी का नियम होना चाहिए, सोसाइटी से खाद बीज की इनकी व्यवस्था पर्टिकुलर हर किसान के पास नहीं पहुंच पाती है। कई कारण होते हैं कि जो उनके इर्द गिर्द घूमते हैं उनके मिलने वाले उनको ही खाद बीज उपलब्ध हो पाता है, जो रियल में किसान बेचारा सुबह से शाम तक मजदूरी के खेती करता है उसके पास उस चीज़ की व्यवस्था नहीं हो पाती है। और किसान को उचित रेट पर या उसमें छूट दे के या उसमें सब्सिडी दे के खाद बीज उनकी पूर्ण तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए, तभी जाके किसान पनपेगा। उचित रेट पे सब्सिडी उचित रेट पे खाद बीज दी जाए और उसमें पर्याप्त सब्सिडी दी जाए। हमारे बीच में एक किसान जोबनेर से भी आए हैं, इन दिनों जोबनेर नए रूप में उभरा है, सबसे ठंडी जगह के रूप में उभरा है। किसान जोबनेर का क्या चाहता है, बिजली किस समय मिल रही है आप लोगों को? बिजली हमें तो मैक्सिमम रात को मिलती है सर, और मैं तो ये चाहता हूँ कि रात के बजाय अगर सभी जगह ठंड की वजह से स्कूलों की छुट्टियाँ वगैरह कर दी जाती तो क्या उन मास्टरों को या सरकारी कर्मचारियों को ठंड थोड़ी लगती है, हमारे किसान भाइयों को ठंड लगती है। तो दिन में बिजली दी जानी चाहिए, और बिजली के अलावा हमारे क्या है कि वहाँ ड्राई क्षेत्र हो गया, करीब करीब पानी सूख गया, गवर्नमेंट से मैं तो यही आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी वहाँ कोई पानी की व्यवस्था हो जाए, नहरों की, तो पानी का जल स्तर ऊपर हो जाए। दूसरा, इसके अलावा ड्राई क्षेत्र होने के नाते हमारे जैसे पशुपालन का हम काम करते हैं, तो पशुपालन में भी आज अभी लेटेस्ट में आपको बता रहा हूँ कि गाय अपन पालते हैं, तो गाय दूध देने के बाद में उसको आवारा निकाल देते हैं और बाहर घूमती रहती है, रोडों पर घूमती रहती है, कचरा खाती है, किसानों के खेतों में घुसती तो उसके लठ मचकाते हैं। और हिंदू धर्म में हम तो ये सोचते हैं भाई, सोचते नहीं, हिंदू धर्म में शास्त्रों में लिखा है गाय को अपन माता का दर्जा दिया है, तो गाय दूध देने के बाद में स्वावलंबी कैसे बने उस पर भी अपने को रिसर्च करना चाहिए। उस पर मैंने किया और आज आपको बताऊँ, मैंने 2 करोड़ रुपये लगाए कि एक ऐसी इंडस्ट्री तैयार की है जिसमें सरकार से हमें 1 रुपये का भी फायदा नहीं है, लेकिन गाय दूध के अलावा स्वावलंबी बनाने के लिए गोबर और गौमूत्र से इतने इतने प्रोडक्ट बनाए कि आज विदेशों तक में उसकी डिमांड है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एंटी रेडिएशन इको फ्रेंडली टाइल बनाई है, उस टाइल का आज ताज ग्रुप जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप है उस ग्रुप में ज़बरदस्त डिमांड है कि हम उसको पूरी नहीं कर पा रहे। इसके ऊपर आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं कि पशुपालकों को ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको सब्सिडी सहायता राशि उनको दी जानी चाहिए, और सरकारी जो योजनाएं उनका ये जो ग्राम सेवक हर पंचायत में लगा रखे हैं, वो ग्राम सेवक नहीं, एक तरह मेरे कहने से तो वो हराम सेवक है, क्योंकि गाँव वालों को पता भी नहीं होता कि हमारे गाँव में कौन ग्राम सेवक है, और ग्राम सेवक को प्रत्येक किसान के घर तक जाकर और जो सरकार की योजना उनको बताना चाहिए, उसका फायदा उन किसानों को दिलाना चाहिए, सरकार उनकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। देख दीजिए, आप गांव और शहर दोनों की मुंडेर पर रहते हैं, आपके यहाँ ग्राम सेवक आता है या शहरी सेवक आता है, क्या आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है? जी मुझे तो अभी मेरे ग्राम सेवक का नाम पूछोगे तो उसका भी पता नहीं है कहाँ रहता है, कभी शक्ल नहीं दिखाता, सत्यता है ये। हमारे यहाँ कई स्कीमें बिक चुकी है, प्लाट कट चुके हैं, उनकी जमाबंदियां ले लेंगे वो, उनका इलीगल यूज़ लेते हैं वो लोग। तो हम तो यही चाहते हैं कि राजस्थान में किसान की नहीं, यहाँ रहने वाले हर आदमी के लिए पानी की समस्या सबसे बड़ी विकट समस्या आने वाली है, ये सब समस्याओं का मूल है। लेकिन सरकार ने तो इस समस्या के समाधान के लिए बोरिंग में छूट दे दी, बोरिंग में छूट दे दी, लेकिन ज़मीन में है ही नहीं ना, पानी है ही नहीं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जो किसान या जो भी कोई प्राइवेट व्यक्ति जो भूमिगत रिचार्ज के लिए सिस्टम बनवाना चाहता है उसमें सहयोग करे, उसको सब्सिडी दे, उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जो पेड़ वगैरह लगाता है ऐसे किसानों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। देखिए पानी के ऊपर जो संरक्षण का काम करते हैं ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, नई योजनाएं इस तरीके की लाई जाए, आपकी क्या उम्मीद है गहलोत जी के बजट से? सब पानी की बहुत भयंकर समस्या है, पानी नहीं है तो सब जनता मरेगी,
वो क्यों पानी बिना सब काम पानी बिना फैल हो रहा है। हाँ कोई फसला नहीं हो रही है, कोई पशुपालन करे तो उसके लिए भी पानी तो है जी, जो हर के लिए तो ये नहरा का कोई भी तालाब सिस्टम कैसा भी कराया जाए भयंकर समस्या है पानी की। देखिए भयंकर समस्या आ सकती है, ये पहले से ये किसान का अलार्म है, ये प्रकृति के साथ में जो रोजाना मिलते हैं उन लोगों का अलार्म है। आप क्या चाहते हो अशोक गहलोत सरकार से क्या? अरे अशोक गहलोत से सब जावाजा में तो मान जो जुड़ती जो सभी जावाजा, बिजली का दाम कम होना चाहिए, डीजल का काम दाम हिसाब से होना चाहिए, एक बीघा जमीन 10,000 रुपया डीजल बढ़ जाए, एक बीघा जमीन में 1,000 रुपया डीजल बढ़ जाए, 1,000 रुपया की पैदा ही कौन, 15 नोजल चलता था, 20 नोजल चलते थे, जब व्यक्त भी वो ही बिलाता था, आज 2 नोजल चलते हैं तो वो ही बिला रहा है, और वो भी एक महीने का ही, पहले 2 महीने से लेते थे, अब 1 महीने से लेने लग गई है। तो हमारी समस्या तो महाराज बिजली की कीमत जरा डाउन करो, डीजल ने जरा स्थाई करो, और कर्ज भी। लेकिन सरकार तो कह रही है कि वह किसाना की बिजली का दाम बढ़ाए लाई को ना, 5 साल तक कौन बढ़ाए लाइया गया, बढ़ रहा है, अरे डीजल अपना आप ही बढ़ गया, 15 नोजल 2 नोजल अपना आप बढ़ गया जी, मोटर चाले नहीं। आपको क्या लगता है क्या? देखिए सर, गहलोत साहब ने किसान की बेटी को कृषि मंत्री बना रखा है, उसी के क्षेत्र में बैठे हैं अपन, उनको किसान का दर्द शायद राजस्थान में कोई नेता ना समझे उतना दर्द लालचंद जी को खुद को पता है कि क्या स्थिति होती है किसान की, वो खुद भी खेती से गुजरे हुए आदमी है तो, करते हैं कई बार, और आज भी उनके फार्म हाउस है, वो खेती करते हैं, कालवाड़ फार्म पे जाते हैं, फोटो डालते हैं। देखिए लालचंद जी को ये बताने की जरूरत तो है ही नहीं, कृषि मंत्री जिसको बनाया, बहुत अच्छी बात है किसान के बेटे को यदि कृषि दे रहे हैं तो वो बेहतर तरीके से हर किसान की समस्या को सुन सकता है, समस्या समझ सकता है, उनकी तकलीफ दूर कर सकता है। तो गहलोत साहब को इसके लिए तो धन्यवाद है कि उन्होंने किसान के बेटे को कृषि मंत्री बनाया। अब हालात ये हैं कि पानी की समस्या, जो बरसात के अंदर देखो आप कितना पानी व्यर्थ बहता है, लालचंद जी खुद किसान है तो उनको पता है कि पौंड बनता है, होद से बारे में नहीं सिंचाई एक किसान कर सकता है, तो उसके लिए जो योजना है जो सब्सिडी मिलती है वो समय पे कर्मचारियों को ये कह के कि साहब आप हमारे नहीं, ऑल ओवर राजस्थान में इसको जितना प्रचार आप और योजनाओं करें ये प्रचार करो ना, क्योंकि किसान यदि अनुगाएगा समय पर, किसान पैदा करेगा, किसान की स्थिति सुदृढ़ होगी, तो आप ये मान लो कि राजस्थान की नहीं पूरे हिंदुस्तान की स्थिति सुदृढ़ होगी। तो आज 60-70% बता रहे हैं, 6.5 लाख गांव बता रहे हैं, तो किसानों की सुनने वाला गहलोत साहब को ये सोचना चाहिए कि जिस आदमी को बना रखा है ना वो खुद किसान है, तो उनको इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। बिजली के दाम देखिए, मंच पे से गहलोत साहब ने बोला था 5 साल कोई दाम नहीं बढ़ेंगे, कि हुआ क्या साहब? आप ये देखो 28 दिन में बिजली का बिल आ रहा है, दूसरी बात 2 महीने से जो चार्ज लेते थे मीटर का वो अब 28 दिन से ले रहे हैं, चार्ज 600 रुपये था तो 600 ही आ जा रहा है, 28 दिन में भी 600, दो महीने में भी 600, तो ये कौन सी क्या भलाई कर रहे हो आप किसान की, कहाँ ले जाना चाहते हो किसान को, उद्योगपतियों के पीछे पड़ रहे हो आप? तो थोड़ा सा ये समझो कि मत पूछ स्थिति, आप देखो कोरोना काल चला, हिंदुस्तान के किसान ने हिंदुस्तान को जिंदा रखा है, जीडीपी किसान की वजह से थोड़ा बहुत बचा है और संसाधन चले हैं, तो कम से कम आप इस पे तो थोड़ा सा गौर करें। लालचंद जी के क्षेत्र में कालक बांध है, बुरा मत मानना आप, आज बरसात का इतना पानी, आप 1,00,000 करोड़ कभी 65,000 करोड़ कभी 3,00,000 करोड़ की योजना देते हो आप, एक योजना आप इस जयपुर शहर से ले जाके वहाँ पानी की नहीं दे सकते क्या? आपको मैं बता रहा हूँ इस जोटवाड़ा विधानसभा के कितने गांव, कितनी जनसंख्या उस बांध पे आधारित है, उस बांध को सूखा पड़ा है, वहाँ पानी की बूंद नहीं है। जब एक बार बताओ जो पानी के स्रोत ही सूखे हैं, खुद तसा प्यासे भर रहे हैं, तो आमजन की क्या प्यास बुझाएंगे, क्या समझ में आता है इनके, क्या बैठ के योजना बनाते हैं, क्यों करते हैं ऐसा, समझ के पैर हो रहा है लोगों के, किसान क्या अफसरों के भरोसे है क्या? सारी चीज़ अफसरों के भरोसे है, मंत्री जी को खुद को मोनिटरिंग है यार, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, 12 घंटे रात के 12 घंटे दिन के, यार कम से कम आधा घंटा आप उसमें दे दो ना, कहाँ दिक्कत है आपको, आप मॉनिटरिंग करो ना, कालवाड़ तो आपकी साइड का क्षेत्र है, आपको पता है कालवाड़ बांध से, जब कालवाड़ में पानी भरता था कालक बांध में, उस समय यहाँ हमारे यहाँ रिचार्ज होता था, कुओं में पानी आ जाता था जब बंद पड़ी रहती थी बरसात में। तो आप भाई साहब, आपसे निवेदन है, आप कृषि मंत्री हैं, कृषि किसान के बेटे हैं, क्षेत्र के हैं, राजस्थान को बहुत अच्छी भलीभांति समझते हो, तो उनको मैं तो आपके टीवी के माध्यम से ये कहूँगा, इन किसानों की तरफ भी थोड़ा सा देख लीजिए सर, ये बिजली के दाम है, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वो आपके हाथ में नहीं है, हम आपसे नहीं कह सकते, आप कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी बिजली के दाम आपके हाथ में है, बीज के दाम आपके हाथ में है, पशुपालक मंत्री आप हैं, पशुओं पर सब्सिडियाँ हो रही है, आप 1,000,000 करोड़ के कर्जे माफ़ कर रहे हैं,
थोड़ा सा इनको भी दे दूं, कहां थोड़ा सा किसान का भी कर्जा माफ हो जाए। और पानी की जो समस्या है वो रिचार्ज की, वो बात आपने बहुत मार्के की कही, अगर कालक बांध हो तो आसपास का 20 किलोमीटर का क्षेत्र 40 किलोमीटर का क्षेत्र रिचार्ज होता है। आपको क्या लगता है राजस्थान सरकार क्या योजनाएं ला सकती है किसान? हमारे लिए तो क्या सबसे ज्यादा पानी की समस्या है, हमारी तरफ तो क्या फ्लोराइड पानी हो गया, पानी पीने के लिए भी पानी नहीं है, टैंकरों से पानी निकलवाते हैं वो भी 400-500 रुपए का टैंकर डलता, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है हमारे तो। आपने बताया कि फॉर्म फाउंड के लिए आपने काफ़ी चक्कर लगाए, और अभी एक सज्जन थे जो कह रहे थे कि ये शायद सरकारी फॉर्म फाउंड है, लेकिन इस फॉर्म फाउंड को बनाने में आपको कितना समय लगा और सब्सिडी वाला फॉर्म फाउंड बनाने में कितना समय लगा, क्या अंतर है दोनों? सर मैंने सरकारी जो सब्सिडी वाला फॉर्म फाउंड बनता है उसके लिए मैं 6 महीने कम से कम भी इधर उधर भगाऊँ, लेकिन उसके बाद में भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने ये प्राइवेट बनाया तो इसमें मेरा खुद का खर्चा लगा है 45 से 50 हज़ार रुपये, लेकिन मेरे को 1 रुपये भी नहीं मिला, और मैं खुद अपनी सुविधा के हिसाब से मैं ज़्यादा बड़ा तो नहीं बना सकता था क्योंकि इतनी ना तो फसल होती है और खर्चा ज़्यादा होता है, तो इस तरह से हम बना नहीं पाए, तो इतना सा बनाया हमने तो उसको हमने खुद अपने पर्सनल खर्चे से बनाया। क्यों तो एक मैं चाहता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट जो ये सब्सिडी वगैरह दे रही है या जो भी जो प्रोसीजर चल रहा है उसको कम से कम ऐसा होना चाहिए कि कोई भी काश्तकार कहीं पे भी कहीं भी जाए तो उसके लिए ऐसा नहीं हो कि वो उस अफसर के पास जाए या उस अफसर के पास जाए, जो भी सब्सिडी है उसको टाइम पे मिलनी चाहिए। और जैसे पशुपालन के लिए है तो पशुपालन के लिए मान लो कोई भी दवाई है और है, हमारे जैसे मान लो पहले बात तो यहाँ सरकारी जो डॉक्टर होता है वो आते नहीं हैं, आते हैं तो खुद की दवाइयाँ ना दे के मन मांगे तो पैसे लेते हैं और अब बाहर की दवाई लिखते हैं, तो ऐसा क्यों सर? कुछ ना कुछ थोड़ी वो तो दवाई सरकार ने तो पिछली बार भी अपने कार्यकाल में पशुओं के लिए दवाइयां फ्री कर दी थी। सर हमारे तो एक भी दवाई फ्री नहीं आती आज के दिन, जहाँ तक है वहाँ तक देखा जाए तो हम जो गाय भैंस की जो सीमन भी लगवाते हैं तो उसके पैसे देने पड़ते हैं हमारे को। ये है स्थिति कि गाय भैंस को हरी कराने के लिए भी इनको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आप अभी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे थे कि अगर किसान यूरिया से खेती नहीं करे तो फिर कैसे करे, किसान के बीच में जागरूकता ही नहीं है, क्या कोई विभाग के अधिकारी सरकार के लोग जागरूकता के लिए नहीं आते अभियान के लिए? यहाँ पे आना तो बहुत दूर, कभी किसी की शकल ही नहीं देखी, यहाँ ग्राम सेवक कौन है, शायद ही मेरे किसान भाइयों में से कोई जानता होगा, या यहाँ पे आज की डेट में पटवारी कौन है शायद ही, या गिरदावर कौन है, किसी की शकल तक देखने को नहीं मिलती तो जानेंगे कहाँ से, और किसी योजना का जब पता ही नहीं है तो उसका लाभ बेचारा किसान कहाँ से लेगा? तो किसान को कैसे पता लगेगा योजना का? भाई कम से कम प्रचार प्रसार हो उसका, या कोई सरकारी नुमाइंदा आए, वो कम से कम कभी ना कभी मीटिंग ले आसपास के किसानों की, उसको योजना के बारे में बताए तभी तो पता पड़ेगा। और भाई देवे मान लो अगर किसान को पता भी है किसी योजना का तो उसके लिए इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं, इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं कि वो हार थक करके खुद ही रुक जाता है, वो इंटरेस्ट ही नहीं ले पाएगा उस योजना में। यहाँ पे आज मेरे क्षेत्र में इतनी महंगी बिजली है कि शायद किसानी करना तो बहुत दूर की बात है, मैं इतना आहत हूँ कि मेरे को पीने के पानी के लिए भी 5 से 10 हज़ार रुपये का बिल देना पड़ता है मंथली, तो मैं किसानी कहाँ से कर पाऊँगा? तो कम से कम यहाँ पे वाटर रिचार्ज का, या मान लो अपने जो कालक वाला बंदा है या इधर रामगढ़ वाला बंदा है, इनके लिए कम से कम गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि कहीं से भी मान लो आज चंबल का जब वाटर लेवल ज़्यादा हो जाता है, चंबल में छोड़ा जाता है वहाँ के बांधों का पानी, तो कम से कम एक लाइन वहाँ पर डाल करके कम से कम वो जो वेस्टेज पानी जा रहा है उसको तो कम से कम कनेक्ट करके भर देना, एक्स्ट्रा पानी को काम में लिया जा सकता है। आपको क्या लगता है राज्य सरकार क्या घोषणाएँ करे जो किसान को, प्रदेश के किसान को फ़ायदा हो? पहली बात तो ये है कि राजस्थान सरकार जब चुनाव हुए थे तो इन्होंने पहले अपने घोषणा पत्र में सबसे पहला जो नंबर है वो इन्होंने घोषणा की थी कि संपूर्ण किसानों का संपूर्ण ऋण कर्ज माफी होगा, ना तो संपूर्ण किसानों का ऋण माफ हुआ ना संपूर्ण ऋण माफ हुआ। इन्होंने 10 दिन का वादा किया था, राहुल जी ने भी कहा 10 दिन में, चुटकी बजा के कहा था कि 10 दिन में संपूर्ण किसानों का ऋण माफ होगा। अब इसमें जब कांग्रेस सरकार आ गई और किसानों को बेवकूफ़ बना करके वोट ले लिया, और किसान हमारा इतना भोला है कि उनकी बातों में आकर के उनको वोट दे दिया, और उसके बाद इन्होंने वो जो किसान का जो ऋण है वो 3 पारियों में बांट दिया, 3 हिस्से कर दिए, एक कोऑपरेटिव बैंक, एक नेशनलाइज बैंक, एक कॉमर्शियल बैंक। अब एक कोऑपरेटिव बैंक का जो लोन जो पहले बीजेपी सरकार थी
उन्होंने 50,000 राशि माफ़ कर दी थी और कोऑपरेटिव बैंक जहाँ तक 50-60,000 ही रेंट देती है, इससे ज़्यादा नहीं देती है। अब उसका जो ब्याज है, पहली सरकार ने तो 50,000 माफ़ कर दिया, अब जो ब्याज बचा था 1,500 और 200 रुपया ये वो इस सरकार ने माफ़ कर दिया। तो इन्होंने कौन सी बहादुरी कर दी साहब, किसानों के साथ जो अन्याय किया है, पहले तो वो अपना वायदा पूरा करें कि साहब हमने संपूर्ण किसानों का जो माफ़ करना है केसीसी लोन। आज किसान अगर घोषणा नहीं करते तो आज मेरे किसान भाई आज जो कर्ज में डूबे हुए हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, वो नहीं करते। क्यों? कि वो अपने समय पर कर्ज लेकर के अपना कर्जा जमा कराते, आज वो कर्जा तो चुकाया नहीं और सरकार ने उनको मीठी गोली दे दी कि जमा मत कराना। अब वो ऋण पे ऋण क्या होता है कि 364 दिन में अगर किसान अपना केसीसी लोन जमा करा देता है तो उसमें 7% ब्याज होती है, उसमें 3% छूट मिल जाती है, सब्सिडी मिल जाती है। अब 365 दिन होते ही वो 7% लगता है। गहलोत सरकार ने कह दिया कि ऋण माफ़ होगा, अब वो जमा तो कराया नहीं किसान ने, अब उसमें ब्याज पे ब्याज पेनल्टी, अब वो 15% हो गया। अगर मैंने 1,00,000 लिया है तो आज वो 4,00,000 रुपए हो गया। अब मैं तो कर्ज में पहले ही डूबा हुआ था और अब आत्महत्या करने के लिए अग्रसर कर्ज माफ़ी के अलावा और क्या चाहते हैं राज्य सरकार? कर्ज माफ़ी के अलावा जैविक खेती को एक अलग से बजट बनाया जाए कि किसान भाई जो खेती कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं, उसके लिए एक अलग से बजट हो, क्योंकि 1-2 साल जैविक खेती करने में किसान को परेशानी आती है, उसमें लागत ज़्यादा लगती है, बचत कम होती है, उपज कम है, तो उसकी उसका गैप ऐसा होना चाहिए कि उसके लिए इनको अलग से सब्सिडी देनी चाहिए, उनको प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए और बाकायदा समय समय पर उनका इनके जो कह रहे हैं इस इनके कृषि विशेषज्ञ जो हैं उनको इनके पास भेजा चाहिए। गांव-गांव में कम से कम तहसील स्तर पर तो एक शिविर लगाना चाहिए, इनको जैविक खेती के बारे में बताना चाहिए, किसान भाइयों को आगे लाना चाहिए, उनको बताना चाहिए भाई जैविक खेती से ये गुण है, आपको ये व्यापार करना है, किसानों के बच्चे पढ़े लिखे हुए जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार देना चाहिए, ये बहुत सारी वो हैं। जैविक खेती का एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया इन्होंने कि अगर उत्पादन कम होता है और यूरिया से ज़्यादा उत्पादन हो रहा था तो उसके अंतर को कैसे किसान के नुकसान की भरपाई की जाए। राज्य सरकार के बजट से आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या अशोक गहलोत बजट में घोषणाएं करें जो खेती की स्थिति सुधरे, किसान की, पशुपालक की स्थिति सुधरे? देखिए सर, मैं आपके मीडिया से ये कहना चाहूँगा, ये आग्रह करना चाहूँगा, गवर्नमेंट चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, गवर्नमेंट सभी अपने हिसाब से एक बजट पास करती है, लेकिन बजट को जनता तक पहुँचने वो बजट, वो पहले की जो बातें चल रही अभी वही संभावनाएँ हैं। आम आदमी का कभी भला हो नहीं सकता, किसान शुरू से पहले भी था, आज भी उस स्थिति में है। अगर राजस्थान राज्य को छोड़ के अगर यूपी की बात कर रहा हूँ मैं अभी, तो यूपी में कई ऐसे कृषि साइंटिस्ट वैज्ञानिक विशेषज्ञ गांव-गांव तक अपने स्तर पर जाते हैं, उनको बताते हैं कि आप इस तरह की खेती करोगे आपको इससे इतने सालाना इनकम होगी। यहाँ इस स्तर पर राजस्थान आप जानते हो बड़ा प्रदेश है, लेकिन यहाँ पे लोग सरकारी व्यक्ति यहाँ आम आदमी तक पहुँच ही नहीं पाता, ये हकीकत बात है। क्या योजनाएँ चल रही है, क्या योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, वो हमें वास्तव में नहीं मिल पाता है। क्यों? उसका कारण है कि एक तो किसान जागरूक है, लेकिन किसान जागरूक होने के साथ वो जाए कहाँ, कौन से दफ्तर में जाए, किस जाने से क्या उसको मिलेगी या नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से मैं चाहूँगा आम आदमी को, किसान को फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को समय समय पर प्रचार प्रसार करना चाहिए। और आपके मीडिया से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो यहाँ किसानों से आप रूबरू हो रहे हैं, आप वातावरण कर रहे हैं, तो ये हमारी बातें सरकार तक पहुँचे, उस पर अमल लाया जाए कि हाँ वास्तव में किसान को बहुत बड़ी परेशानी है। मैं आपके इतना ही कहना चाहता हूँ। एक बात कई बार ये आती है कि सरकार नई नई चीज़ों की खेती के लिए प्रोत्साहित तो करती है, आप खजूर उगा लीजिए, आप सोयाबीन उगा लीजिए, आप जैतून का तेल उगा लीजिए, लेकिन उसके लिए परेशानी ये होती है कि किसान को मार्केट का नहीं पता होता है कि वो बेचेगा कहाँ पर। क्या किसान सरकार को खरीद की भी गारंटी देनी चाहिए? बिल्कुल, खरीद की गारंटी तो होनी चाहिए, उसको किसान को कुछ उसके बारे में नॉलेज दी जाए, उसको बताया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, भाई ये खेती करने से आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, इस तरीके से आप करोगे तो उसकी उपज ज़्यादा आएगी। तो ये सब तो गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं उनको जाके पब्लिक के बीच में, किसानों के बीच में मीटिंग करके, चौपाल करके उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करना चाहिए और समझाना चाहिए हर किसान को, भाई इसी हिसाब से करोगे तो आपकी
आय ज़्यादा होगी। किसान को समझाना चाहिए। एक रामस्वरूप जी, हमारे पास में किसानों की समस्या आई कि गोभी बेचने जा रहे हैं तो मंडी में 4 रुपये किलो बिकेगी और वही किसान वापस अगर सब्जी की दुकान पर लेने चला गया तो उसको 20 रुपये किलो की मिलेगी। इसका सबसे बड़ा कारण है बिचौलिए। तो बिचौलियों को ख़त्म करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट से हम ये मांग करेंगे किसानों की ओर से कि किसान डायरेक्ट अपने उत्पाद को उपभोक्ता तक बेच सके, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो और प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार हो कि तहसील स्तर पे हो या ग्राम पंचायत लेवल पे हो कि किसान अपने खेत से जो सब्जियां तैयार करता है वो डायरेक्ट उपभोक्ता तक बेच सके और बिचौलियों को ख़त्म किया जाए। तो देखिए, किसान के भले के लिए खुद किसान के मुँह से हमने जाना कि किस तरह की योजनाएं किसान चाहते हैं। खास बात ये है कि बिजली सस्ती मिले, डीजल सस्ता मिले जिससे उनके जनरेटर चल सकें, ट्रैक्टर चल सकें, बिजली के जो बिल का जो बिल भेजने का समय था वो 2 महीने की बजाय 1 महीने कर दिया, मीटर किराया भी उतना ही आ रहा है। साथ में पानी की उपलब्धता, ये एक बहुत बड़ा विषय है क्योंकि अगर लोगों को पीने के पानी की समस्या आ रही है और फसलों के लिए पानी की समस्या आ रही है तो जीवन पर संकट आएगा, ना केवल इंसान के जीवन पर संकट आएगा बल्कि फसलों के जीवन पर भी संकट आएगा। और एक किसान को उसकी उपज के लिए सीधा प्लेटफॉर्म मिल जाए, उसको बेचने की जगह मिल जाए जिससे उसके दाम में कोई कमी नहीं आए, कोई बिचौलिया उसके बीच में बाधा नहीं बने। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।